नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, रुचि सोया। तो रुचि सोया के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इसका एपीओ आया था और एपीओ में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ और इसका लिस्टिंग गेन किस तरीके से हुआ और रुचि सोया का फ्यूचर क्या है। और ये पतंजलि का एक कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसका एपीओ जो आया था उसमें कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ और किस तरीके से फ्यूचर में इस कंपनी काम कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे जाकर लिंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा लिंक में, मतलब हमारा ग्रुप के लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं रुचि सोया के कंपनीज के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, मैं एक बेसिक चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी, देखिए पिछले दिनों में 14.71% का जाम देखने को मिला। तो 14.71% का जाम के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहेगा। ऑब्वियसली रीजन है क्योंकि रुचि सोया ने जो एपीओ, मतलब एपीओ जो लिया आया था, फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफरिंग जो लेके आया था, उसके बेसिस से पिछले दिनों में 8 अप्रैल में, मतलब 8 तारीख को अप्रैल मान में, तो कंपनी के जो आईपीओ, मतलब कंपनी लेके आए थे आईपीओ, मतलब आईपीओ नहीं, एपीओ जो लेके आए थे, तो उसका लिस्टिंग गेन था। तो उसका लिस्टिंग जबरदस्त हुआ और कितना जबरदस्त हुआ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसी के कारण रुचि सोया में इतना शानदार तेजी देखने को मिला। तो क्या आई तेजी कंटिन्यू रह सकते हैं, क्या आई तेजी फ्यूचर में अच्छा खासा, मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी 1986 से कंपनी स्टार्ट हुआ है, 1986 से कंपनी स्टार्ट हुआ और कंपनी मध्य मध्य प्रदेश इसका हेडक्वार्टर है। और कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो 16,382 करोड़ का। और कंपनी देखिए इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन है, पतंजलि, पतंजलि आयुर्वेद। तो पतंजलि आयुर्वेद इसका मेन कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी है। और रुचि सोया का जो सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब रुचि सोया का अंडर जितने सारे कंपनीज है, आप देख सकते हैं रुचि रियलिटी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड रुचि जे ऑयल प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स कंपनी है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर एपीओ किस तरीके से आया और उसका फायदा किस तरीके से कंपनी को पिछले दिनों में देखने को मिला। देखिए एपीओ जब लॉन्च हुआ, देखिए यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, मैं थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर जिन्होंने इतना अच्छा खासा न्यूज पब्लिश किया। तो आप यहाँ पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, रुचि सोया एफपीओ इन्वेस्टर मेक 36% लिस्टिंग गेन। मतलब कितना शानदार यहाँ पे लिस्टिंग गेन हुआ एक दिन में, मार्केट जब लिस्टिंग हुआ, स्टॉक जब लिस्टिंग हुआ, 36% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि कंपनी का जो प्राइस बैंड था वो आप देख सकते हैं, कंपनी का प्राइस बैंड जो था वो 21 शेयर आपको खरीदारी करना था और 21 शेयर आपको 615 से 650 रुपीज के अंदर आपको खरीदारी करना था। और इसका लिस्टिंग डेट कब कब था आप देख सकते हैं, 8 अप्रैल। तो पिछले दिनों में ही इसका लिस्टिंग हो गया और उसी के कारण, अच्छा खासा लिस्टिंग है देखने के कारण ही स्टॉक में, रुचि सोया में जबरदस्त तेजी देखने को मिला यहाँ पे। तो देखिए कंपनी का जो डिटेल्स है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से रिपोर्ट किया गया है रुचि सोया, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज न्यू इक्विटी शेयर्स, मतलब न्यू इक्विटी शेयर ऑब्वियसली इशू करने वाला है तो उसी के लिए एपीओ लेके आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इशूड एट द टाइम ऑफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसको एपीओ कहा जाता है। देखिए दो तरीके से मतलब इन्वेस्ट होते हैं, मतलब मार्केट में कंपनी पैसा उठाता है, एक एपीओ के माध्यम से, एक दूसरा आईपीओ के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए गेट लिस्टेड ऑन द, यहाँ पे देखिए बोरिस वैरिस जो है तो ऑन फ्राइडे के दिन। तो अच्छा खासा लिस्टिंग है देखने को मिला, 36% का रिटर्न, कोई खराब नहीं है लिस्टिंग गेन, 36% मतलब जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी देखिए तो हाई टच किया कितना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इन्वेस्टर हु वेयर अलॉटेड शेयर इन द पब्लिक ऑफरिंग जो है, मतलब एपीओ जो है उसमें मेड ऑफ प्रॉफिट 36% एज द, यहाँ पे देखिए काउंटर टचेड ए हाई लेवल 882.55 कंपेयर टू द
इशू प्राइस था 650 में, पहले आपको दिखा चुका था इशू प्राइस क्या था 650 और हाई क्या कितना 882। तो इसी का फायदा रुचि सुहा का हुआ क्योंकि इसका जो रुचि सुहा के ऊपर ही एपीओ लेके आए थे तो उसी कंपनी को तो फायदा होगा ना। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो फायदा आपको दिखा, इस कंपनी का जो आज पिछले दिनों में जो 40% तक तेजी देखने को मिला, तो सिर्फ यही कारण है क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म पीरियड देखेंगे, ठीक है, 5 दिन में कंपनी तो किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी सिर्फ 1 दिन में ही किया, और बाकी आप देखेंगे तो 1 मंथ में कंपनी 16% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक है। 6 मंथ में कंपनी लॉस दिया 10% तक, कंपनी 1 साल में 34% तक रिटर्न दिया, ये भी चलो ठीक है। कंपनी का 5 साल के चार्ट पैटर्न कर दूं तो देखिए कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप इस बात को ध्यान में ना रख के ही इन्वेस्ट कर देते हैं, आप इतना वोलेटिलिटी तो देख ना देख कर ही इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक भाग रहे हैं, स्टॉक में रिटर्न जबरदस्त आ रहा है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से गलती मत करिए क्योंकि आपका पैसा सिक्योर रखने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज तो गैदरिंग करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था 4000% का रिटर्न ही कंपनी दिया। तो अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा तो कंपनी देखिए किस तरीके से ढलान के बेसिस से कंपनी गिर रहे थे और उसके बाद कंपनी ने रीबैक किया, यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था, उसके बाद देखिए कंपनी अप ट्रेंड में गया, फिर से धीरे 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 करके इस जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट किया, देखिए कितना बार रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पे कंपनी ने जो फिर से उसको ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को भी टच करके रीबैक किया, तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेके कंपनी अभी ग्रोथ कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू रह सकते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा किस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा वोलेटिलिटी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी गेम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इस तरीके से पहले देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था डेली बेसिस अपर सर्किट टू अपर सर्किट, अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगते जा रहे थे और कंपनी एक रॉकेट की तरह भाग रहे थे और रिटेल पब्लिक इसी को देखकर निवेश करते गए और टॉप लेवल तक जो जो लोग निवेश किया उस वो तो पूरा बर्बाद हो गया क्योंकि उसके बाद जो पहले पंप किया उसके बाद जो डंप किया वो रिटेल निवेशक के उतना पता नहीं होते, जो मार्केट में नए आते हैं उसको पता नहीं होते कि इस तरीके से जितने सारे मतलब इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब जो पब्लिक होते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने क्या करते हैं इस तरीके से स्कैमिंग करते हैं, स्कैमिंग मतलब वो पंप करते हैं कंपनी को उसके बाद डंप करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है तो इस वॉल्यूम के बेसिस से फिर से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। तो मैं कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। आप ये मत समझ लेना कि बाइंग वॉल्यूम हो गया कि कल जाके बाई कर दू, इस तरीके से मत करिएगा, कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखिए उसके बाद निवेश करिए। तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं रुचि सोया जो है इंडस्ट्रीज जो है वो पतंजलि का है और कंपनी देखिए 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोनों ही ठीक है। कंपनी एनुअली 681 करोड़ का प्रॉफिट किया, कंपनी के हाथ में डेब्ट भी है कर्जा भी है 3600 करोड़ का। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.83% का डेप्थ है, मतलब एक अच्छा खासा डेप्थ लेवल तो जरूर दिखा। कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 227 करोड़ का टोटल फ्री कैश फ्लो है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 30 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कंपनी कर रहा है। तो कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है वो 62 डेज लगा रहा है कंपनी इन्वेंट करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। डेटोस डे सबसे मुझे अच्छा खासा लगा क्योंकि कंपनी के हाथ में सबसे कम टाइम के पीरियड में ही कंपनी के हाथ में पैसा रहा है, सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। और कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए हमेशा पैसा जल्द से जल्द आना यही सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि कंपनी के इन्वेंट करने के लिए टाइम भी लग रहा है, कंपनी को सेल्स आउट भी करना है, उसके बाद कंपनी को पैसा ले आना है। तो पैसा जितना जल्दी आएगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। और एक चीज कंपनी देखिए एडेबल जो ऑयल है, एडेबल ऑयल जो है इसके ऊपर ज्यादातर बिजनेस करते हैं, इसका सेक्टर में इस फील्ड में कंपनी सेकेंड पोजिशन में है क्योंकि अदानी वॉलमार जो अभी रॉकेट की तरह भाग रहा है आप देख खुद ही देख चुके हैं, जब से लिस्टिंग हुआ तब से तो रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो 135% तक कंपनी रिटर्न आपको दिया अदानी वॉलमार में, तो अदानी ग्रुप का कंपनी है वो नंबर वन पोजीशन में है, उसके बाद नंबर टू कंपनी रुचि सोया है। तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। और सेकंड जो थिंग है कंपनी का साल भर की बात करूं तो बीच में कंपनी लॉस किया और वो भी जबरदस्त लॉस है, कंपनी प्रॉफिट तो किया प्रॉफिट अच्छा खासा किया मगर 2-3 बार में इतना ज्यादा लॉस किया जितने सारे प्रॉफिट हुए थे सारे के सारे पैसा चला गया। तो उसके बाद फिर से रीबैक किया कंपनी, फिर से धीरे 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 करके ग्रोथ कर रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत वोलेटिलिटी है, मैं ये बात जरूर कहूंगा।
कंपनी देखिए आपको रिटर्न जबरदस्त दिया, आप इस रिटर्न के चक्कर में ही बहुत ज्यादा निवेशक निवेश कर देते हैं, तो कंपनी 10 साल में करीबन 26%, 5 साल में 104%, 3 साल में तो गजब हो गया 450% का रिटर्न, और 1 साल में 32% का रिटर्न। तो इस रिटर्न के चक्कर में निवेश मत कर दीजिएगा, कंपनी के बारे में डिटेल्स जानने के बाद निवेश करिएगा। क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज में बार बार सिखाता आया हूँ कि प्रोमोटर के पास ही देखिए 98.9% होल्डिंग है। प्रोमोटर माल बेचेगा क्या, पूरा के पूरा माल खरीद के रखा है, पूरा के पूरा पैसा उसी के पास है। तो उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना था, पहले तो पब्लिक के पास देखिए 79% होल्डिंग था, पब्लिक उसको अभी भी कंटिन्यू किया, 1% होल्डिंग है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। डीएस तो पूरा माल खरीदारी भी नहीं किया, और सॉरी डीएस तो एकदम ना के बराबर है, और एफआई जो है वो तो माल खरीदारी भी नहीं किया। तो यह बात आपको सोचना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन को जिस कंपनी के ऊपर कोई एग्रेसिवली इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मुझे तो पता नहीं। हाँ आपको शायद प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, आप 300-400% का रिटर्न जो देख चुके हैं, तो आपको लगता है कि 300% रिटर्न मतलब मेरा फंड तो 3-4 गुना हो जाएगा, तो मैं जबरदस्त पैसा इसमें कमा पाऊंगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी कर लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो ये मेरा एडुकेशन पर्पज में इस टॉपिक को बारे में मैं बता रहा था, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे है तो लाइक करना और कमेंट भी करना, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेरीज भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।